दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं आपको एमआई का फिल्म अगर टूट जाए तो कैसे फिल्म लगाते हैं। ये है एमआई 4A, ठीक है। इसका फिल्म टूट गया है टच रिमूव करने के टाइम में, ठीक है। आज हम दिखाने वाले हैं आपको कि कैसे फिल्म को रिमूव करते हैं आसानी से और कैसे उस पे फिल्म चढ़ाते हैं, और चढ़ाने के बाद भी मैं दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये फिल्म टूट गया है, पूरा काटिंग है, छोटा सा डिस्प्ले में है। अगर आपके पास फिल्म रिमूव करने के लिए आयरन नहीं है तो उसको आप आसानी से ओका रिमूवर से आप रिमूव कर सकते हो, कि जैसे कि देख रहे हो थोड़ा सा ओका रिमूवर लिक्विड ले लो और धीरे धीरे से इस पर ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा सा प्रेशर डालोगे तो निकल जाएगा। लेकिन सावधानी से ये करना पड़ेगा आपको ताकि आपका डिस्प्ले टूटे नहीं और लिक्विड आपका डिस्प्ले की आजू बाजू में ना गिरे, ताकि डिस्प्ले के अंदर जो पेपर है वो पेपर में जाएगा तो डिस्प्ले में दाग आ सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके अब धीरे धीरे से निकाल लो फिल्म, धीरे धीरे से निकल जाएगा। ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो डिस्प्ले टूटने का चांसेस है, क्योंकि अगर आयरन से निकलते हो तो आसानी से ये निकल जाता है, लेकिन आपके पास अगर आयरन नहीं है इस फिल्म को रिमूव करने के लिए तो आप इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है, और आपका फिल्म आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे कि देख रहे हो कि धीरे धीरे निकलता है, तो थोड़ा बहुत निकला है, ठीक है। तो धीरे धीरे से इसको निकाल लेना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा निकलना स्टार्ट हो जाए तो वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी नहीं निकला तो पहले पहले थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा निकलने के बाद। तो वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो इसलिए थोड़ा सा कट कर दिया मैंने, ठीक है। ये देखो वो निकल, वो लिक्विड देने के बाद आसानी से निकल जाएगा, एकदम आसानी से निकलेगा, एकदम आसानी से। लेकिन आपको इस ये काम को बहुत ही सावधानी के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। और लिक्विड ज़्यादा ना डाले तो अच्छा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पेपर से लेके आपको देना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा होने से डिस्प्ले के पास जाएगा तो डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कैसे आसानी से निकल जाएगा, एकदम आसानी से, इतना आसानी से, इतना इजी निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कितना इजी निकला है। पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, उसके बाद एकदम से आसानी से एकदम निकल जाएगा, एक ही बार में एकदम पूरा फिल्म निकल जाएगा, ठीक है। ये देखो पूरा फिल्म निकल गया, जितना भी मेरा कटिंग वाला फिल्म था डिस्प्ले के ऊपर पूरा फिल्म निकल गया। और इसको आप क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से वही ओका रिमूवर से आप अच्छे से पूरा डिस्प्ले को क्लीन करने के बाद फिल्म चढ़ाई जाएगा, ठीक है। इसको पहले अच्छे से साफ करना है, ठीक है, वो लिक्विड से अच्छे से साफ करना है। एक कपड़ा ले लो, नहीं तो आप उंगली से करोगे तो आपका उंगली छिल सकता है, क्योंकि ये जो गम है बहुत ही ख़राब वाला गम है। तो आप उंगली से करोगे तो उंगली का जो आपका चमड़ा है ना वो छिल जाएगा। तो इसको एक कपड़ा लेके वो लिक्विड से साफ कर लो, ठीक है। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा कट करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको ज़्यादा परेशान ना होने पड़े। तो आप फिल्म निकालने का काम हो गया है, अब क्लीन करने का काम चल रहा है, तो इसको पहले आप क्लीन कर लेना। क्लीन करने के बाद कैसे फिल्म चढ़ाता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा डिस्प्ले अब क्लीन हो चुका है, डिस्प्ले पे पूरा कोई भी दाग नहीं है, थोड़ा सा वाइट मार्क आया है। आप देखो कि फिल्म लगाने के बाद मेरा डिस्प्ले पूरा ओके है, कोई किधर भी लिक्विड पास नहीं है, ठीक है, किधर भी कोई भी दिक्कत नहीं है। फिल्म लगाने के बाद देख रहे हो जैसे कि आप कि ऐसे पूरा क्लीन डिस्प्ले को मैंने फिल्म निकाल दिया। अब बारी है फिल्म लगाने की, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे फिल्म चढ़ाते हैं आसानी से, कोई भी ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, बहुत ही ईजी काम है। अगर आप ध्यान से करो, अगर आप मेहनत से करो, अगर आप संयम रखो तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए ये फिल्म को निकाल के फिल्म लगाना, ठीक है। फिल्म निकालना भी बहुत ही मुश्किल काम नहीं है,
फिल्म को चढ़ाना भी मुश्किल काम नहीं है, मगर आपको चढ़ाने से पहले आपको फिल्म का जो सही मार्क है उसको आप पहले ऊपर से लगा के चेक कर लेना कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। नहीं तो उल्टा सीधा होने पे थोड़ा सा डिस्प्ले का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, इसीलिए आप पहले डिस्प्ले के ऊपर में फिल्म लगा के देख लेना कि कौन सा आपका जो एंगल है वो सही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो थोड़ा सा तिरछी हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तिरछी करने पे क्या होता है कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो ये देखो फिल्म को पहले आप कट कर लो स्क्वायर के हिसाब से, उसके बाद आप फिल्म का एक पोर्शन थोड़ा सा लगा लो, लगाने के बाद एक जो कार्ड से आप उसको पूरा ऊपर कर दो। पूरा ऊपर करने पे क्या होगा आपका किधर भी बबल्स कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और लगाने के टाइम ज़्यादा प्रेशर नहीं डालने का डिस्प्ले में, इतना प्रेशर डालो कि आपका फिल्म सिर्फ आसानी से चिपक जाए। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालने का और इतना कम नहीं कि बबल्स आ जाए। तो जैसे देख रहे हो आप किधर भी बबल्स नहीं आया है, ठीक है, पूरा फिल्म अच्छे से चिपक गया है, एक छोटा सा आया है वो चला जाएगा, मुश्किल नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा फिल्म अच्छे से चिपक गया है, और इसको साइड से ब्लेड से कट करने के बाद ये भी बबल्स निकल जाएगा, और ये देखो बीच का जो बबल्स है वो भी निकल गया, और कोने का जो बबल्स है वो साइड से ब्लेड से कटिंग करने के बाद निकल जाएगा, पूरा अच्छे से बैठ जाएगा, जितना भी बबल्स है वो चला जाएगा। तो ऑलमोस्ट काम मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अभी आपको चेक करके दिखाऊंगा कि कैसा कंप्लीट हुआ है मेरा काम। तो ये है एमआई का फ़ोन, अगर आपको ये प्रॉब्लम आता है तो देख के आप इजी से ये काम कर सकते हो। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने में मेरा थोड़ा उत्सुकता आए। ठीक है, थोड़ा अच्छे लगे कि वीडियो बनाने में कि आपको हेल्प हो रहा है। तो प्लीज़ यार, ये चैनल नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि मेरा चैनल थोड़ा बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, और ऐसे मोबाइल से जुड़ी हुई सारे डिटेल्स मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, जो भी भाई रिपेयरिंग करते हो नया हो तो वो इसको देख के आसानी से फिल्म चढ़ा सकते हो, ठीक है, और फिल्म लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कुछ भी।